यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइज यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और भाई मज़े ही कर रहे होंगे, मैंने तो यही सोचा था भाई। और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर भाई लोग। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मैं यहाँ पर XUV 500 लेकर आया था भाई, और XUV 500 भाई मेरी कतई मक्खन चल रही है यहाँ पर। बट अभी सिमियन का मेरे पास कॉल आया था, मैंने ना थोड़ा सा काम वगैरह दोस्तों करवाया था यहाँ पर सिमियन के पास से, ठीक है ना। हल्की सी भाई मॉडिफाइड वगैरह मैंने करवा ली, थोड़े से और काम करवा लिया था, तो भाई सिमियन को यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा यहाँ पर काम पड़ गया। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तेरा भी यहाँ पर दोस्तों काम कर ही दूंगा, है ना। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मैंने अपनी XUV 500 के अंदर क्या क्या काम कराया, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक तो कस्टम अलॉय व्हील्स डलवाए हैं, शीशे ब्लैक करवाए हैं, सनरूफ भी ब्लैक करवाई है, पीछे वाला शीशा भी, फ्रंट शीशे को छोड़कर इंजन ट्यूनिंग वगैरह करवाई है। ये देख लो, ये वाले व्हील्स डलवाए मैंने गाड़ी के अंदर, ठीक है, पूरी ब्लैक करवाई है। आगे से फिर का सा शीशा टिंटेड कराया, सनरूफ भी ब्लैक करवा दी, ठीक है ना। चलो भाई गाड़ी में बैठते हैं, सारे शीशे ब्लैक, अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं चोरी चोरी तेनू तक दा, क्या बात है। चलो भाई लोग गाड़ी तो स्टार्ट है यहाँ पर। तो तेरी किधर को मुड़ा हुआ था स्टेरिंग। चलो जी, अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, मैं चोरी चोरी तेनू तक दा। अब यहाँ पर इससे काम तो करना पड़ेगा क्योंकि भाई दोस्त भी है यार एक अच्छा खासा मेरा, बस ये थोड़ा यारी दोस्ती के अंदर ही तो यहाँ पर थोड़ा लिहाजपंती करनी पड़ती है। चलो जी मैडम आगे को निकल लो, वैसे भी तुम्हारी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है मैडम जी, अगर आप यहाँ पर खर्च भी हो गई ना तो किसी पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। चलो क्या बात है, मस्त चल रही, बढ़िया। तो दोस्तों अभी ना मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, मैं भाई जा रहा हूं जिधर मिलिट्री बेस है ना उसके पीछे, जो भाई वहां पर कच्चा इलाका पड़ा, वहां पर एक फोर्ड इंडेवर फंसी पड़ी है भाई, उसको निकालनी है। और उसको निकालने के लिए गाड़ी परफेक्ट है, गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत पावरफुल है। कल आपने देख लिया था मुझे इस गाड़ी की ना कल वाली बातें, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगी। गाड़ी के अंदर पावर इस कदर की है मैं बयान नहीं कर सकता। क्या मजा आ रहा गाड़ी चलाने में, बस हाँ इस वाले रोड पर बस थोड़ा सा सोच समझ के गाड़ी चलानी पड़ती है। यहाँ के जो लोग भागे बस ऐसे ही चिड़ू से लोग है ना। अच्छा पैरों का जो पैडल्स हैं वो कौन कौन देखना चाहते हैं, मैं वहाँ पर भी कैमरा रखूँ जैसे मैं पहले रखता था, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। मैं तो अपनी गाड़ी आराम से चलाऊँगा, मेरी तो भाई नई कार है और मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी का भी यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ठीक है ना। मैं तो भाई अपनी गाड़ी को बहुत आराम से लेकर जाऊँगा, ऐसे तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बट यहाँ पर बस हाँ निकाल ले, दूसरा गियर डाल दे, तीसरे गियर में तो निकल ही जाए गाड़ी यहाँ से, और निकल भी गई। जैसा बस सोचते हैं ना वैसा हो जाए तो भाई फिर देखो बढ़िया ही होता है। हजार चला देता हूँ, अरे लाइट क्यों जला रखी है बेफालतू में, दोस्तों लाइट जलाकर चल रहा हूँ मैं, अभी तो दिन है, डे टाइम रनिंग लाइट तो देखो जली रही है। DRLs इधर को लेता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा ऑफ रोडिंग कट जाता है, चाहूँ तो उधर से हो लूँगा बट नहीं जा सकता मैं उस वाले कट पे भी क्योंकि कट काफ़ी नीचे है, या है इधर से रास्ता तो है बट छोड़ो यार आगे से भी आएगा एक कट, ज़रूरी नहीं है कि इसी वाले कट से जाऊँ मैं।
ये आ गया। ऑफ रोडिंग का ना माइकल दादा को या मुझे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा शौक है अपनी कार्स को इस तरीके से नई नई बेसिकली ऐसी ऐसी कार्स ख़रीदना और उनके साथ ऑफ रोडिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई मीन देखो कितने प्यार भरे तरीके से अगर तुम अपनी गाड़ी को चलाओगे ना, इसके हिसाब की गाड़ी को अगर तुम हल्के भी या तेज़ भी चलाओगे ना, ये तब भी तुम्हारी बात सुनेगी। ये उस मिजाज की गाड़ियों में से है, ये उस मिजाज की गाड़ियों में से नहीं है जो बिल्कुल ही अनसुना करती है, जैसे अलकज़ार मुँह पे बोलता हूँ मैं, अलकज़ार है ऐसी जो कि बिल्कुल अनदेखा कर देती है कौन मेरा मालिक कैसा मालिक। पलटूंगी तो ही मेरा मन है पलटने का तो मैं पलटूंगी, ये हल्का सा मेरी ही गलती के कारण हुआ है और ये बंद होना भी ठीक है ना। कभी तुम इस चीज़ को भी यहाँ पर सीरियसली ले लो, इसको मत लेना सीरियसली, बता रहा मैं तुम्हें क्या बात है। आई मीन गाड़ी चलने में तो भाई एक नंबर है, इसकी पावर टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों आज। फोर्ड एंडेवर को निकालना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ताकत तो लगेगी, प्लस उसके जो गियरबॉक्स भी टूटा हुआ है तो जाहिर है कि गाड़ी के जो अंदर टायर वगैरह इंजन ब्रेकिंग तो लगी भी होगी। तो देखो मैं इंजन ब्रेकिंग के साथ मैं यहाँ पर कितनी जल्दी उस गाड़ी को जो है निकाल पाता हूँ, आई मीन जहाँ पर वो फंसी हुई है। चल बढ़िया बढ़िया, छठे गियर में फुल भगा दी मैंने, क्या गाड़ी है भाई, गाड़ी हो तो XC500 जैसी हो वरना होना वरना होवे ना भाई। हवाबाजी के चक्कर में क्या कर दिया आरिश, हवाबाजी महंगी पड़ गई, जानवर की मौत। चलिए निकल ले कोई बात नहीं, मैं फिर भी ना दोस्तों एक बार यहाँ पर कॉल कर देता हूँ इमरजेंसी सर्विस पे। तो भाई गलती हो गई मुझसे, गलती से 911, what emergency service do you require? Thank you. Paramedics are en route to your current location. तो गाइस प्रोमेडिक्स के पास जो चली गई है वो आ जाएंगे भी इस लोकेशन पर और देख लेंगे भाई साहब। बट XUV500 जो है बढ़िया गाड़ी है, फ्रंट से इसका कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं, जबकि ये हिरन से टकराई है और हिरन से टकराना भाई कोई आसान बात नहीं है। चलो आराम आराम से, क्या चल रही है गाड़ी, आराम से बहुत आराम आराम से। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ चला रहा हूँ दोस्तों मैं गाड़ी भी यहाँ पर। बढ़िया क्या बात है, एक नंबर चल रही है गाड़ी दोस्तों, एक नंबर। वैसे मुझे चलाने में तो देखो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, बबल वहाँ पर लिखा हुआ था। अभी ना मुझे यहाँ से गाड़ी को बीच में लेकर जाना है, अब वो देखना पड़ेगा मुझे दोस्तों ये कार जो है बीच में कैसे जाएगी। बढ़िया फर्स्ट गियर में चलाऊंगा काफ़ी हल्के हल्के, दूसरे तीसरे में मैं गाड़ी कैसी तैसी नहीं करना चाहता। बढ़िया
चलो बढ़िया। यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़ा वो हो जाएगा, बट मैंने ऐसे निकाल लेता हूँ ऊपर को करके, हल्का सा उधर को लेके जाऊँगा। वैसे ये तो पार कर ही लेगी दोस्तों नदी, इतनी तो गहरी वो थी भी नहीं। चलो सही है, बढ़िया। यहाँ पर ना गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर पाना हल्का सा डिफिकल्ट है, बट जितना तुम सोच रहे हो ना उतना भी नहीं है, ठीक है ना। हो जाती है कार इजीली कंट्रोल, बट हाँ कंट्रोल करनी देखो गाड़ी को आना चाहिए अगर आप ऐसे चला रहे हो। देखो मैं थोड़ा ना एक किनारे किनारे पे कोई चलाऊंगा, क्योंकि वहाँ ना बीच में गड्ढे हैं और मैं नहीं चाहता भाई मेरी गाड़ी पे जो है गड्ढे वगैरह में लगे। चल आराम से। ओ भाई कहाँ पानी में कुदाई मैंने गाड़ी। वैसे ना मुझे थोड़ा आराम से बच बुचा के कोने कोने में कोई निकालनी चाहिए दोस्तों गाड़ी को। किनारे पे को चलते हैं ना गाड़ी तो सही है। इंडेवर वहाँ आगे फंसी पड़ी है, असल में टेस्ट करते हैं ना फोर्ड वाले और फिर फंस जाती है तो बस इसके सिर पे डाल देते हैं और फिर मीडिया से छुपाते हैं। किसी ऐसे बंदे को भेजना जो मीडिया तक ये बात ना लेकर जाए, भरोसे वाला, और उसके लिए भरोसे वाला बंदा मैं ही हूँ भाई। इंडेवर जैसी गाड़ी भाई कैसे फंस सकती है यार, जब XUV 500 सही चल रही है, बस क्या ही करें यार दोस्तों। समझ से बाहर तो देखो कुछ बातें तो हैं, देखना कितनी मस्ती से चल रही है यहाँ पर फोर इन ये जो अपनी XUV 500। ज़रा सा भी कुछ हो नहीं है, ओके। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा वो है, काफ़ी आराम से मुझे जगह पार करनी पड़ेगी। मैं पीछे को निकालूंगा, दूसरे किनारे पर भी जाने के लिए मैं इसे निकाल दूंगा। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, चलो जी बढ़िया। मैं वहाँ पीछे से घूम के जाकर मुझे वहाँ पीछे जाना होगा, तो आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ। देखो भाई मैं ज़्यादा जल्दबाजी तो करने वाला नहीं, जब भी कुछ हुआ ही जा। चलो फाइनली आ गए दोस्तों उस लोकेशन के ऊपर, चलिए आराम आराम से चलता हूँ दोस्तों, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता। लोकेशन पर वो खड़ी है इंडेवर, गियर बॉक्स में पता नहीं भाई ऐसा क्या हुआ होगा उस गाड़ी के। रस्सी तो लग जाएगी यहाँ से, अगर मैं गाड़ी को बैक लेकर जाऊँ यहाँ से और पीछे से इसको टो करूँ अगर। 3 2 1 इजीली पार कर ली इजीली। हाँ रेडिएटर वगैरह में या फिर ऐसी वैसी जगह देखो पानी तो घुस जाता है, पर कवर अप भी तो करना चाहिए ना कंपनी को सिचुएशन के हिसाब से। अब XUV 500 में ये चीज़ें दिखा रखी हैं दोस्तों। चलिए हो तो गया, काफ़ी आराम भरे तरीके से खींचूँगा फर्स्ट गियर में। बढ़िया ताकत के साथ खींच रही है गाड़ी वैसे तो। बढ़िया चलो फर्स्ट गियर चलेगा दोस्तों।
और फर्स्ट गियर के मुताबिक हम यहाँ से जो चलेंगे। बढ़िया, खींच के तो देखो दोस्तों मैं लेके ही जाऊँगा, बट यार उधर से ज़्यादा जल्दी ले जाता दोस्तों मेरे ख्याल से। चल 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 चल, बढ़िया चलती रहे, बढ़िया चल रही है गाड़ी, जो बात है ना, बढ़िया। बढ़िया मुझे पानी पर हल्का सा डाउट है कि मैं निकाल ना पाऊँ, क्योंकि XUV 500 के अंदर दोस्तों ताकत तो देखो बहुत ज़्यादा है, अगर इस गाड़ी से तुम कंपेयर, नहीं उस गाड़ी के अंदर ज़्यादा ताकत है XUV 500 के मुकाबले, बट फिर भी देखा जाएगा कि कितना कुछ कर पा रही है। नहीं भाई निकाल दी XUV 500 में, तो झेल गई भाई, झेल गई झेल गई छोरो, झेल गई गाड़ी, झेल गई भाई। यहाँ को ले जाऊँगा निकाल के मैं अगर वहाँ पेट्रोल पंप तक भी चढ़ा दूँगा तो वहाँ पर ट्रक आ जाएगा जो कि इसको टो करके ले जाएगा, मुझे बस यहाँ से निकाल ले किसी तरह। चलो सही है, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। एक छोटा सा नाला एक और आया दोस्तों, बढ़िया इंजन ब्रेकिंग लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, इसके बावजूद XUV 500 से ऐसे खींच पा रही है, यही तो बात है दोस्तों, यही तो गेम है, क्या बात है, अच्छे से खींच लिया भाई XUV 500 ने इस प्राइस रेंज के अंदर, काफ़ी अच्छा इंजन वगैरह प्रोवाइड कर रही है महिंद्रा। चल 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 चल, बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लिया है गाड़ी को, बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी ना दोस्तों मुझे बस वहाँ चढ़ानी है गाड़ी, वो चुनौती है एक, वहाँ कार चढ़ाना एक चुनौती है, चुनौती से बढ़कर भी नहीं है। फर्स्ट गियर में चल रही है, दूसरे में तो इससे इंजन ही मर लेगा इसका, आरपीएम ही नहीं उठा पाएगा, दूसरे में इंजन आरपीएम ही नहीं उठा पाएगा, दूसरे गियर में आरपीएम उठाने से पहले मेरे ख्याल से मर ना जाए, लोअर आरपीएम पे चलेगा काफ़ी, और देख लेते हैं गाड़ी को कुछ हो भी ना, क्या कहा था मैंने, बस फिर चलाएगी चढ़ेगी, पहले पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी तो फुल रहता है ना। चलो सही है, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या गाड़ी चल रही है दोनों दोस्तों, एक नंबर, बढ़िया। बढ़िया